إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى کی توفیق سے ہم نے رمضان المبارک کے مہینے سے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے فائدہ اٹھایا ہے، روزوں کا اہتمام کیا ہے، قیام کا، قرآن پاک کی تلاوت کا خوب محنت کی۔ ایک ایماندار آدمی جس طرح شوق سے نیکیوں میں محنت کرتا ہے،
कोशिश करता है, नेकियां समेटता है, इससे ज्यादा फिक्र एक मुसलमान को नेकियों की हिफाजत की होती है कि कहीं कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे मेरी ये नेकियां जाया ना हो जाए। हिफाजत के बगैर हम जानते हैं हर चीज तबाह हो जाती है। गाड़ी नहीं ले ले तो हिफाजत अगर उसकी ना की जाए तो गाड़ी से क्या हशर हो जाएगा। नया मकान बना ले हम उसकी हिफाजत करते हैं। ये नहीं है कि पैसा करोड़ों रुपया लगा के आपने छोड़ दी। इतनी खूबसूरत मस्जिद बनी है इसकी हिफाजत ना की जाए तो हर चीज तबाह हो जाएगी। ऐसे ही नेक अमाल करके उनकी हिफाजत ना की जाए तो नेक अमाल भी जाया हो सकते हैं। उसकी हिफाजत की भी हमें फिक्र करनी चाहिए। आज कुरान पाक खत्म हुआ है, अल्लाह पाक ने भी 30वें पारे में इस बात का जिक्र किया। 29 पारे पढ़ लिए हैं, सुन लिए। तो अल्लाह पाक फरमाता है, हल अता का हदीसुल गाशिया वजूह हुई यौम ईदिन खाशिया। तुम्हारे पास ऐसी खबर आई है कि क्यामत के दिन कुछ चेहरे बिगड़े होंगे, उनके चेहरों पे जिल्लत छाई होगी, मुरझाए होंगे। उनकी जिल्लत की ये वजह नहीं होगी कि उन्होंने अमाल किए नहीं होंगे, बल्कि आगे अल्लाह पाक ने फरमाया है, आमिलतुन नासिबा अमाल के ढेर हो, अमल कर करके थक चुके, अमल किए लेकिन हिफाजत नहीं की। ये ऐसे ही है जैसे बंदा पैसा कमा कमा के घर में फेंकता रहे, पैसों को महफूज ना करे, उसके बीवी बच्चे उन पैसों से क्या असर करेंगे ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। हमाल बड़े किए लेकिन उनको महफूज नहीं किया, उनकी हिफाजत नहीं की, बस अमलों पे जोर रखा है। अल्लाह पाक फरमाता है, अमाल की कसरत की, इबादत ना की, तस्ला नारन हामिया, अमल कर करके थक जाने वाले भी कई जहन्नम का ईंधन बन जाए। दो बिजनेसमैन हो, एक दौलत को संभालने वाला हो, दूसरा पैसा जाया करने वाले हो, तो वो तो कंगाल हो जाएगा। कामयाब वही है जो मेहनत के साथ अपनी कमाई की हिफाजत करता है। आखिरत के दिन भी कामयाब वही होगा जो नेक अमाल के साथ नेक अमाल की हिफाजत करता रहो। हिफाजत जरूरी है। ऐसे काम मत करें। अल्लाह ने कई कामों से खबरदार किया है, अमाल करने वाले तूने ये अमल नहीं करना। जिस तरह जिस पेट्रोल पंप पे भी चले जाए हर पंप पे लिखा होता है नो स्मोकिंग, शोला नहीं जलाना। शोला जल गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसे अल्लाह ने भी खबरदार किए हैं। मैं और आप क्या चीज है, अल्लाह ने अंबिया को खबरदार किया, हर पैगंबर को अल्लाह ने भाई
आदम अलैहिस्सलाम को, नूह अलैहिस्सलाम को, हूद, साले अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, एक एक पैगंबर को अल्लाह ने ये वही की है, लाइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका, ओ मेरे पैगंबर आपने शिरक नहीं करना वगरना आपकी मेहनत जाया हो जाए। डाकू वहां लूटता है जहां कुछ हो, जो 400-500 दिहाड़ी करने वाला है डाकू ने उससे क्या ले। अंबिया के पास सबसे ज्यादा नेकी होती है, अंबिया सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले होते हैं, इसलिए अल्लाह ने सबसे ज्यादा खबरदार भी पहले अपने पैगंबरों को किया। अल्लाह फरमाता है वलकद उहिया इलैका व इलल लदीना मिन कबलिक, वो मेरे हबीब आपसे पहले हम हर पैगंबर की तरफ ये वही कर चुके हैं और आज आपकी तरफ भी वही कर रहे हैं। लेकिन अशरकत लयहबतन्ना अमलुका, आपने शिरक किया तो आपकी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। कई हमारे भाई हैं जो ये बात सुन ले तो वो यही कहते हैं ये शिरक वाली बात तो ना ना करें, ये तो काफरों से बात करने वाली होती है, हमको काफर, ये तो बुतों वालों को बात करते हैं, हम तो अल्लाह की पूजा करने वाले, हम तो अल्लाह की इबादत करने वाले, पैगंबरों से बढ़ के कोई मुसलमान हो सकता है? अंबिया इकराम से बढ़ के कोई ईमानदार हो सकता है? भाई ये आवाज काफरों के लिए कैसे, उनके पास तो कुछ है ही नहीं, उनके पास न रोजा है, न नमाज है, न हज है, न तहज्जुद की नमाज है, न क़ियामुल लैल है, न सदकातो खैरात है, उनके पास तो नेकी है ही नहीं। जहां पेट्रोल पंप ना हो वहां भी नो स्मोकिंग, किशोला यहां भी नहीं जला, आपके घर में पंप नहीं है वो पेट्रोल पंप नहीं, वो आपका घर है, घर में लिखा हुआ है इधर शोला नहीं जलाना। भाई जिधर कुछ हो उधर शैतान अपनी फौजें भेजता है, पहली तो बात ये थी, कोशिश करो ये अमल करे ही ना, जब अमल कर जाता है शैतान को हरा जाता है, फिर शैतान की कोशिश होती है अब इससे वो काम कराओ जिससे इसकी मेहनत जाया हो जाए। इसके लिए वह फौज तश्कील देता है, अल्लाह ने उससे डराया है सबसे पहले अपने पैगंबरों को। बड़ी तुम नमाजें पढ़ते हो, बड़ा तहज्जुद का क़याम करते हो, अल्लाह के तौहीद की दावत देते हो, अल्लाह के लिए लोगों से मार खाते हो, ऐ पैगंबरों याद रखो अमाल में शिरक नहीं होना चाहिए वगरना तुम्हारी नबूवत भी खत्म, तुम्हारी नेकियां भी खत्म। हर एक सियाने बंदे को अपनी औलाद की ये फिक्र होनी चाहिए कहीं शिरक ना हो जाए। अल्लाह ने एक सियाने बाप का तस्करा किया, शायद आज आमर साहब ने उस सियाने बाप का तस्करा किया हो, लुकमान अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह कहता है वाला कद आतैना लुकमान अल हिकमा, लोगों लुकमान एक सियाना बाप था, उसको हमने समझ अता की, अल्लाह ने उनकी क्या अदा अल्लाह को पसंद आई कि अल्लाह ने कुरान पाक में उनका ऐसे तस्करा किया है जैसे अल्लाह अपने पैगंबरों का तस्करा करता है। हाइस मट्टी करें, हाइस की वजह सिटी बज गई। लुकमान अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने क्या कहा, उन्होंने अपने बेटे को क्या कहा, मुसलमान। लुकमान अलैहिस्सलाम एक मुसलमान थे, मुसलमान एक ईमानदार थे, बेटा भी ईमानदार है, लेकिन बाप बेटे को वाज क्या कर रहा है, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, ओ मेरे प्यारे बेटे शिरक नहीं करना, इन शिर्क ला जुल्म नजीम, क्योंकि बेटे शिरक बहुत बड़ा जुल्म है, शिरक नेकियों को खा जाता है।
सही ईमान वाला नेकियों में मेहनत करने वाला उसको फिक्र होती है कहीं ऐसा जुर्म ना हो जाए जिससे नेकी बर्बाद हो जाए। हम मैं और आप क्या चीज है, मैं उनकी बात करता हूं जिन्होंने अल्लाह के महबूब पैगंबर के हाथ में इस्लाम को कबूल किया था, जो आपके पीछे नमाजें पढ़ते, जो आपके खुतबात सुनते थे, जो आपकी खिदमत करते थे, जो आपके साथ मिलके जिहाद किया करते थे, इतने बड़े बड़े अमाल आपके साथ। उन बड़े अमलों को छोड़ो, मैं कहता हूं हमारी सारी जिंदगी की बातें एक तरफ, उनका तो एक लम्हा जिस लम्हे में उन्होंने हमारे पीरो मुर्शिद का दीदार किया है, हम तो सारे मिलके उस लम्हे का मुकाबला नहीं कर सकते। सैयदना अबू दर्दा रजी अल्लाह तआला फरमाते औसानी खलीली, मुझे मेरे दोस्त ने, मेरे खलील ने, मेरे महबूब पैगंबर ने वसीयत की। वसीयत जानते हैं आप बंदा कब करता है, जब बंदे को यकीन हो लगता है मैं अब नहीं रहूंगा। आखिरी दिनों में सैयदना अबू दर्दा कहते हैं मुझे आपने वसीयत की, अबू दर्दा ला तुशरिक बिल्ला इन कुत्ते था अबू हुर्रिक था, अबू दर्दा तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, तेरी हड्डियों को तोड़ दिया जाए, तुझे आग में जला भी दिया जाए, आग में कूद जाना, लेकिन अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना। आपको ये किसने बता दिया कि मोमनों को तो ये बात हो ही नहीं सकता, ये तो मोमनों के लिए ही तो बात है। तुशरिक बिल्ला अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना। असल समझने वाली बात ये है कि शिरक कहते किसको। अल्लाह ने 11वें सिपारे में सूरह यूनस के आखिरी रुकू में अल्लाह पाक ने फरमाया वला तकूनन मिनल मुशरिकीन, ओ मेरे महबूब पैगंबर आपने शिरक नहीं करना, शिरक के करीब नहीं जाना। क्या मतलब है शिरक नहीं करना, शिरक का क्या मतलब? आगे अल्लाह ने मतलब समझाया वला तदु मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुक, ओ मेरे हबीब जब आपको गैबी मदद की जरूरत पेश आए आपने अल्लाह के सिवा किसी और को आवाज नहीं देनी। इंसान है ना, इंसान की सारी जिंदगी मुश्किलात से भरी हुई है, मुसीबतों से भरी होती है, मुश्किलात से मुसीबतों से इसकी जान नहीं छूटती जब तक इंसान कब्र में ना उतर जाए। कब्र में जाने तक बीमारियां मुश्किलात मसाइब परेशानियां रहती रहती हैं। कई परेशानियों में बहन भाई काम आ जाते हैं, कभी माँ बाप काम आ जाते हैं, कभी औलाद काम आ जाती है, कभी दोस्त अहबाब काम आ जाते हैं, लेकिन बसा औकात ऐसी परेशानी ऐसी मुसीबत आती है जिसका टालना इंसानों के बस की बात नहीं होती, फिर इंसान को गैबी मदद की जरूरत पेश आती है। अल्लाह कहता है मेरे पैगंबर गैबी मदद के लिए आप सिर्फ अल्लाह को आवाज दें, अल्लाह के साथ किसी और को नहीं। ये नहीं आपको गैबी मदद की जरूरत पेश आए तो आप या जिब्रील मदद कहना शुरू कर दें। जिब्रील तो फरिश्तों के सरदार थे, उनकी शान अपनी जगह, मुकाम अपनी जगह, लेकिन गैबी मदद का सवाल अल्लाह से करना है। गैबी मदद के लिए अल्लाह के सिवा किसी और को आवाज देना ये शिरक है, और इस शिरक से नेकियां बर्बाद होती है, इसको अल्लाह ने माफ नहीं करनी। कोई भी आज नहीं मुसीबत नहीं कि मैं बोलूं या आप बोले लो जी ये मुसीबत तो मुझ पे नहीं आ गई है, इस तरह की मुसीबत तो किसी पे आई नहीं। नहीं नहीं, रब का कुरान कहता है तू जिस मुसीबत में भी है फी ही जिक्रो को तेरा तस्करा मैंने कुरान में कर दिया, तेरा भी तस्करा कुरान में, मेरा भी जिक्र कुरान में, तेरी मुसीबत का भी तस्करा अल्लाह ने कुरान में किया है, मेरी हर दुख और मुसीबत का तस्करा अल्लाह ने कुरान में कर दिया।
फी ज़िक्रुकुम, अल्लाह कहता है तेरा जिक्र कुरान में अफला ताकिलून, तू अकल नहीं रखता। क्या मुसीबत है आजकल, एक मुसीबत ये है लो जी मेरे सारे दुश्मन हो गए, सारा इलाका दुश्मन है, ये कोई नई मुसीबत नहीं। अल्लाह कहता है फी ज़िक्रुकुम, कुरान पाक में मैंने तेरी इस मुसीबत का तज़किरा कर दिया है। हमसे पहले अल्लाह का एक पैगंबर गुजर चुका है जिनका सारा इलाका ही दुश्मन, और तो और सगे बाप ने भी कह दिया इस इब्राहिम को आग लगा दो, ये मेरे बुतों का गुस्ताख मेरे घर में कहां से पैदा हो गया। एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेली जान है, सारा इलाका दुश्मन है, जलाओ इसको, कत्ल कर दो या जला दो, आग लगा दो इसको, सारे इलाके ने लकड़ियां इकट्ठी की हैं एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग लगाने के लिए। आग जल गई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पकड़ा गया, आग में फेंकने के लिए लेके जा रहे हैं। चार पैगंबर गुजर चुके हैं, चारों का तस्करा अल्लाह ने कुरान में किया है, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, चार ये पैगंबर गुजर चुके, चारों की कब्रें बन चुकी हैं और पांच अल्लाह के वली गुजर चुके हैं। पांचों का जिक्र नाम अल्लाह ने कुरान में लिया है। वद गुजर चुके, वद, सुआ, यगूस, यूक, नसर, हम, अस्माओ, रिजाल, सालेहीन, ये पांच बुजुर्ग भी गुजर चुके हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने के लिए लेके जा रहे हैं, उन्होंने न किसी पैगंबर को आवाज दी है, न बुजुर्ग को आवाज दी है। वो जानते थे गैबी मदद के लिए जमीन के नीचे मट्टी वालों को आवाज नहीं देते, बल्कि रब जिंदा को आवाज देते, मरे हुए को आवाज नहीं देते। जिसको नींद आ जाए उसको आवाज नहीं देते, बल्कि रब जिंदा को आवाज देते। उन्होंने आवाज दी तो अल्लाह को क्या दी, कहा हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह इनसे मेरा कोई जदाद का झगड़ा नहीं, कोई बरादरी का झगड़ा नहीं, कोई लेन देन का झगड़ा नहीं, झगड़ा तेरी जात का है, अल्लाह तू ही मेरी मदद के लिए काफी हो गई। फिर अल्लाह ने मदद की, कमाल कर दी। अल्लाह फरमाता कुल ना या ना रुकूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम, जब मेरे इब्राहिम ने डायरेक्ट मुझे आवाज दी, मुझे पुकारा, हमने भी डायरेक्ट आग को हुक्म दिया, मेरा इब्राहिम आ रहा है, मेरा खलील आ रहा है, देख जलाना तेरा काम हमने तुझे दिया है, लेकिन मेरे इब्राहिम को नहीं जलाना, मेरे इब्राहिम के लिए ठंडी और सलामती वाली। उन्होंने डायरेक्ट अल्लाह को आवाज दी, डायरेक्ट अल्लाह को पुकारा। कोई आपको कह सकता है जी वो तो पैगंबर थे, मैं को पैगंबर हूं? आज बड़ा फलसफा और मंतक चलता है, अल्लाह को पता था इन सारी सदियों का, अल्लाह ने इस सवाल का जवाब आगे दिया है। अल्लाह क्या फरमाता है, कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहिम, लोगों जिंदगी वैसे गुजारो जैसे मेरे इब्राहिम ने जिंदगी गुजारी। गैबी मदद के लिए जिसको इब्राहिम ने आवाज दी उसको आवाज दे। अल्लाह ने मेरे पैगंबर को भी कहा है फाइन तवल्लौ फकुल हस्बी अल्लाह, तो मेरे महबूब मक्का वाले सारे भी आपके दुश्मन हो जाए, फिर आप वही कहें जो मेरे इब्राहिम ने कहा था, कह दो हस्बी अल्लाह, मुझे मेरा अल्लाह ही काफी। गैबी मदद के लिए अल्लाह के सिवा किसी और को आवाज नहीं देनी। अल्लाह कहता है कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहिम, जैसे इब्राहिम थे वैसे बन जाओ। मौलवी कहते हैं जी उन्होंने गैबी मदद के लिए रब को आवाज दी, वो पैगंबर थे, तू को पैगंबर। ये नया एक फलसफा चल पड़ा है पाकिस्तान का। जुलहज्जा के महीने में हज 10-20 लाख का हो रहा है, तो क्या ख्याल है जुलहज्जा के अलावा किसी और महीने चले जाएं हज करने के लिए, मीना में जाएं, अरफात के मैदान में जाएं, सारे हज के अरकान अदा करें,
जुलहज्जा के महीने के अलावा, क्यों नहीं, खर्चा थोड़ा आता है, 2-3 लाख में हो जाता है, जुलहज्जा के महीने में तो 10-20 लाख चाहिए। आपको कहेंगे भाई हज वाला महीना ये नहीं है, वो तो जुलहज्जा का महीना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो जुलहज्जा के महीने में हज किया। तो मैं क्या कहूं जी, वो तो पैगंबर थे, मैं को पैगंबर हूं। अल्लाह ने यही कहा है, कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहिम, लोगो मेरे इब्राहिम भी बन जाओ। कुर्बान जाए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद जितने पैगंबर आए, जितनी उम्मतें आई हैं, हर उम्मत को अल्लाह ने ये कहा है अपने पैगंबर की भी मानो, अपने पैगंबर के तरीके के मुताबिक भी चलो, और मेरे इब्राहिमी भी बन जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या थे, अल्लाह कहता है वलम यकू मिनल मुशरिकीन, बेबसी के आलम में भी मेरे इब्राहिम ने शिरक नहीं किया। आप पूरी फिर पैगंबरों की लिस्ट पढ़ ले, जिस पैगंबर पे भी दुख आया, मुसीबत आई है, बेबसी आई है, उन्होंने गुजरे हुए पैगंबर को आवाज नहीं दी, अल्लाह को पुकारा। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए, इनके दो बेटे थे इसहाक अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, दोनों पैगंबर वो भी चले गए। आगे इसहाक अलैहिस्सलाम का बेटा है यकूब अलैहिस्सलाम, वो भी अल्लाह के पैगंबर थे, उन पे औलाद की परेशानी आ गई। आजकल औलाद की बड़े परेशानी, हर तीसरा चौथा घर औलाद की वजह से परेशान नजर आ रहा है। ये परेशानी कोई नई नहीं है, अल्लाह कहता है फी ही ज़िक्रुकुम, औलाद से तंग इंसान, तेरा तज़किरा भी मैंने कुरान में कर दिया है। फी ज़िक्रुकुम, कुरान पाक में तेरा तज़किरा है, औलाद का दुख तेरा दुख क्या हो सकता है। देख इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पोता है यकूब अलैहिस्सलाम, जिन पे औलाद का इतना बड़ा सदमा आया, बेटों ने आके कहा बाबा आपके यूसुफ को भेड़िया खा गया। अब जिसका बेटा हाथ से दफन कर दे उसमें तो आस उम्मीद खत्म हो ही जाती है, उसमें तो सबर आ ही जाता है, लेकिन अल्लाह ना करे किसी का बेटा गुम हो जाए तो ये तो सदमा बाप को बूढ़ा कर देता है, बूढ़े को कब्र में उतार देता है। ये औलाद का सदमा है ही ऐसा, इतना बड़ा सदमा आया, पास बाप की कब्र है, चचा की कब्र है, दोनों पैगंबर हैं, पास ही दादा जान की भी कब्र है जो अल्लाह के खलील थे। सूरह यूसुफ इस अंदाज से भी पढ़ना, तुझे कुरान के करीब इसीलिए तो आने नहीं देते, कहते कुरान ना पढ़, कुरान तर्जमे से पढ़ेगा तू गुमराह हो जाएगा। नहीं नहीं, अल्लाह कहता है वाला कद यसरनल कुरान लिज़िक्री फहल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान पाक को आसान बनाया है, है कोई नसीहत हासिल करने वाला। आज का अंग्रेज, काफर, यहूदी, ईसाई कुरान को सादा तर्जमे के साथ पढ़ के हिदायत पे आ रहे हैं, मुसलमान हो रहे हैं। उस मुसलमानों की हालत देखो, कहते कुरान पढ़ेगा तो तू गुमराह हो जाएगा। नहीं नहीं, कुरान हिदायत वाली किताब है, कुरान से हिदायत मिलती है। सूरह यूसुफ पढ़िए, यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बाप दादा की कब्र का रुख नहीं किया कि बाबा मेरी मदद के लिए पहुंच, मेरा फूल गुम हो गया, वो दादा मेरी मदद के लिए पहुंच, मेरा दिल का टुकड़ा गुम हो गया। नहीं नहीं, वो जानते थे दुखों का इलाज इनके पास नहीं है, गैबी मदद के लिए रब को आवाज देते। इनकी शान अपनी जगह, इनका मुकाम अपनी जगह, लेकिन अल्लाह का शरीक कोई नहीं हो सकता। अल्लाह को आवाज दी, अल्लाहुल मुस्तान, ओ मदद के पीछे हजारों नाम लिखने वालों, तेरे सियालकोट वाले किसी और को आवाज देते, लाहौर वाले किसी और को आवाज देते, अजमेर वाला किसी और को पुकारता है, मुल्तान वाला किसी और को चीखता और चिल्लाता हुआ आवाज देता है, लेकिन देख रब का कुरान कहता है यकूब अलैहिस्सलाम ने आवाज दी तो अल्लाह को दी, अल्लाह मेरा यूसुफ, मेरा दिल भर जानी, मेरे दिल का टुकड़ा, अल्लाह मेरा यूसुफ मुझे वापस कर दे।
हम तो एक दो साल के बाद रास्ते तब्दील कर लेते हैं। यकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के आगे रोए, बेटा मांगते हुए बेटे की जुदाई में रोए। 35-40 साल गुजर गए, इतना मांगा इतना रोए। कुरान कहता है अल्लाह के आगे रो रो के आंखें सफेद हो गई, आंखें सफेद हो गई, लेकिन अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ा। वो जानते थे उस बड़े के दर को नहीं छोड़ते, उस बड़े के दर में कभी कभी देर हो जाती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। उस देर में भी कोई हिकमत होती है, वो बंदे नहीं जानते होते, वो अल्लाह ही जानता है। 35-40 साल गुजर गए अल्लाह के आगे रोते रोते, लेकिन वो शहंशाह है, आजमाता है तो आखिर ही कर देता है। बेटा क्या मिलना था, बेटों ने आके बताया बाबा आपके दूसरे बेटे ने चोरी की है, वो जेल में बंद हो गए। जेल तो अपने मुल्क की नहीं मान, ये तो बैरून मुल्क में जेल में बंद हो गए। जरा अपने अपने बेटों को तसव्वुर में ला के देखिए, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। अल्लाह ना करे जी किसी का बेटा जेल में चला जाए, उस बूढ़े को तो घर में खाना अच्छा नहीं ना लगता, वो तो यही कहता है मेरा जो कुछ बिकता है बिक जाए, मेरे बेटे को बाहर लेके आओ। इतना बड़ा है, फिर भी उन्होंने बाप दादा की कब्रों का रोक नहीं किया, बल्कि रो पड़े रोते हुए क्या कहते हैं, या असबा ला यूसुफा वबियज्जतनाहु मिनल हुज्नी फहुवा कजीम। हाय मेरे अल्लाह, मैं तो अपने यूसुफ को ना बुला सका, यूसुफ के सदमे ने मेरी आंखों को सफेद कर दिया। अल्लाह मैं तुझसे यूसुफ मांग रहा था, तूने मुझसे दूसरा बेटा भी ले लिया। रोते हुए पुकारा तो किसको पुकारा, आवाज दी तो किसको दी, इन्नमा अश्कु बसी व हुज्नी इलल्लाह। मेरे अल्लाह फिर भी सारे शिकवे, फिर भी सारी शिकायतें मैं तेरे आगे रखता हूँ, है अल्लाह मुझे दोनों बेटे वापस कर दे। जब आजमाइश में अखीर ही हो गई, फिर भी अल्लाह के साथ शिरक न किया, तो वाकई कभी कभी उसकी अजमाइश में, अजमाने में, दुखों में देर हो जाती है, लेकिन अंधेर नहीं होती। अल्लाह ने दोनों बेटे भी वापस कर दिए और मिस्र की बादशाही भी अता कर दी। अल्लाह ने यकूब अलैहिस्सलाम दुख वाले बाप, औलाद के दुखों वालों, औलाद के दुख पे 40 साल रोने वाला और अल्लाह का डर न छोड़ने वाला, अल्लाह ने सारे उनके रोने का तस्करा करने के बाद सूरह यूसुफ के इख्तिताम पे अल्लाह ने फरमाया, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून। कई बाग में लोग आएंगे जो ईमान का दावा करेंगे, कलिमा पढ़ेंगे, लेकिन रहेंगे मुशरिक, करेंगे शिर्क। की थोड़ी सी मुसीबत आई, कोई अजमेर को, कोई किसी को आवाज देगा, अल्लाह को आवाज नहीं देगा। अल्लाह को पता था सारी सदियों का, अल्लाह ने एंड किया है। अल्लाह ने कहा कई ईमान का दावा करेंगे, इल्ला वहुम मुशरिकून, लेकिन रहेंगे मुशरिक। तफसीर मेरे महबूब पैगंबर ने कर दी है, आपने फरमाया सुनो, नबी दाऊद की हदीस है, ला तकूमु सा हत्ता तलहक कबाइल मिन उम्मती बिल मुशरिकीन। क़यामत के करीब खानदानों के खानदान, कबीलों के कबीले, जमातों की जमातें मेरे पैगंबर फरमाते हैं मुशरिक हो जाएंगे। इसलिए अपने मुआशरे को, अपनी औलाद को इस शिरक से बचाइएगा कि बेबसी के आलम में सिर्फ अल्लाह को आवाज दे। आजकल एक बीमारियां बड़ी आ गई, हर घर में कोई मरीज पड़े। मैं फिर अर्ज कर दूं, अल्लाह कहता है वो बीमारों, वो हस्पतालों और कचहरियों में धक्के खाने वालों, अल्लाह कहता है फी ही जिक्रो को, बीमारों से तंग इंसान तेरा जिक्र भी मैंने कुरान में कर दिया। तुझे कोई नई बीमारी नहीं आई, तुझसे पहले एक पैगंबर पे बीमारी हमने भेजी थी जिन पे बीमारी की अखीर हो गई थी।
चार पाई पे पड़ गए थे, चार पाई पे। जब जानवरों को संभालने वाला न रहा, जानवर भी मर गए, औलाद भी मर गई, एक बीवी बची है जो कमा के लाती है और अय्यूब अलैहिस्सलाम को खिलाती है। बीमारी में उन्होंने कई साल गुजार दिए, कई सालों में भी उन्होंने शफा के लिए किसी कब्र का रुख नहीं किया। अफसोस इस बात का होता है, आज का इंसान शफा मांगने के लिए उस फेरी पे जाता है जिसको मौत बीमारी की वजह से आई है। तेरे खानदान में क्या कुछ डॉक्टर नहीं है? पूछ डॉक्टर से मौत क्यों आती है। तेरे खानदान का डॉक्टर तुझे समझाएगा, मौत अल्लाह भेजता है लेकिन अल्लाह अपने ऊपर नहीं बात आने देता, कोई सबब बना देता है, कोई बीमारी आ जाती है जो बीमारी इंसान की मौत का सबब बन जाती है। और जिसको बीमारी की वजह से मौत आई तू उससे शफा मांग रहे, इससे बड़ी बेवकूफी और क्या हो सकती है। कौन है जो दुनिया में इंसान आया हो और उसको दुनिया में बीमारी ना आई हो। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम बीमार थे, सैयदना अनस करीब आए, अर्ज करते अल्लाह के हबीब इतना सख्त बुखार? आपने फरमाया हाँ अनस बेटा, मुझे इतना बुखार होता है जितना दो बंदों को बुखार होता है। रो पड़े, अरज करते अल्लाह के हबीब अगर आपका बुखार ज्यादा तेज है तो अल्लाह ने आपके लिए अजर भी ज्यादा रखा, आपकी मौत का सबब बीमारियां बनी है, सर का दर्द ही ना गया। मेरे महबूब पैगंबर ने सर पे कपड़ा बांधा हुआ है। अम्मी ऐशा फरमाती है आखिरी दिन तो आप बड़े ही बेकरार हो गए, बुखार तेज हो गया, सर दर्द तेज हो गया, कभी आप पांव फैला रहे हैं कभी समेट रहे हैं। अचानक आपने फरमाया मेरी ऐश हाज़ही अवानुन इनकिता अबूरी मिन ज़ालिका सुम ला अज़ालु अजिदु अलामत ताम अल्लज़ी अकलतु खैबरा। खैबर के मौके पे जो मैंने एक जहरीला लुकमा खाया था ना, उसकी तकलीफ थोड़ी थोड़ी तो आज तक होती रही है लेकिन आज उसकी बड़ी तकलीफ हो रही है। बुर्ज़ेर जाग उठा है, लगता है मेरी रगों को काट रहा है जिस वजह से मुझे सांस बड़ी दिक्कत से आ रहा है। आप कभी पांव फैला रहे हैं कभी समेट रहे हैं, बीमारी की शिद्दत आ गई। सैयदा फातिमा पास बैठी रोने लगी, बुखारी में लिखा है तुझे तो हदीस की किताबें पढ़ने नहीं देता तेरा मौलवी, लेकिन निकल इस कैद से बाहर आ, अल्लाह ने तुझे आजाद पैदा किया है, तू किसी का गुलाम नहीं है। कुरान और हदीस सादा तर्जमे के साथ आ चुका है, अपने घर में बैठ के कुरान और हदीस तर्जमे के साथ पढ़िए। सैयदा फातिमा रोती हुई कहती है वाह कर बाबा वाह कर बाबा, हाय मेरे अब्बा जान को आज कितनी तकलीफ। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने फातिमा की बात सुनी, आपने रोते हुए अपनी बेटी को सीने से लगाया। बेटियों का प्यार आप जानते हैं, बाप अपनी बेटियों से कितना प्यार करता है और बेटी कितना प्यार करती है। मेरे महबूब पैगंबर ने सीने से लगाया और आपने फरमाया बेटा गम न करो, लैसा अला अबी के कर्बुन बादल यौम, आज तो तेरे बाबा की तकलीफों का इख्तिताम हो रहा है, आज के बाद कोई सर दर्द नहीं होगा, आज के बाद कोई बुखार नहीं होगा, आज के बाद कोई भी आपके बाबा को पत्थर नहीं मारेगा। आज दुनिया से जान छूट रही है और दुनिया के दुखों से भी जान छूट रही है। तू उनसे शफा लेने के लिए चला गया उस ढेरी से और जिसको मौत बीमारी की वजह से आई है। कुरान खोल, अय्यूब अलैहिस्सलाम पे बीमारी की अखीर ही हो गई तो उन्होंने आवाज दी तो किसको आवाज दी? अल्लाह कहता है वायूबा इज़नादा रब्बा, अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने रब को आवाज दी, अपने रब को पुकारा, रब को आवाज दी, रब्बी अन्नी मस्सनी अज़ुर्रु वअंता अरहमुर राहिमीन, अल्लाह बड़ी तकलीफ आ गई है बड़ी मुसीबत आ गई है लेकिन अल्लाह तेरी रहमत की जरूरत है, तेरे सिवा शफा देने वाला कोई नहीं है। अल्लाह ने भी फिर हुक्म दिया और कुछ
रिजली ओ मेरे अय्यूब तूने कई साल ही गुजार दिए, अब जरा फिर मेरी रहमत का सवाल किया है। एडी जमीन पे मारो, एडी जमीन पे मारी, अल्लाह ने चश्मा जारी कर दिया, कहा मेरे अय्यूब पी लोगे अंदर की बीमारियां खत्म हो जाएंगी, नहा लोगे बाहर की बीमारियां खत्म हो जाएंगी। कोई भी नई बीमारी नहीं, एक आजकल बीमारी चली है जी, मेरी शादी हो गई है औलाद नहीं हो रही, फिर मैं अर्ज कर दूं, अल्लाह कहता है फी ज़िक्रुकुम, औलाद का रोना रोने वालों, ओ बेटों के लिए मारे मारे खाने वालों, दर दर की ठोकरें खाने वालों, तुझे औलाद नहीं मिली, फी ही ज़िक्रुकुम, तू कुरान खोल, तेरा तस्करा भी मैंने कुरान में कर दिया, अब अला ताकिलून, कुरान खोल, तुझे अकल क्यों नहीं आ रही, तुझे तो एक दो साल हुए तूने रब का दर छोड़ दिया है, देख अल्लाह का एक पैगंबर है, शादी को 70-80 साल गुजर गए, अल्लाह ने औलाद नहीं दी। जिक्र रहमत रब्बी का अब्दहु ज़करिया इज़नादा रब्बहु निदान खफिया, सूरह मरियम शुरू हो रही है, 17वां सिपारा है, मेरे बंदे ज़करिया को याद करो, जो औलाद मांगते मांगते बूढ़े हो गए, अल्लाह ने औलाद नहीं दी, लेकिन उन्होंने मांगना नहीं छोड़ा, अल्लाह से ही मांगते रहे, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दा, ओ मेरे रब मुझे अकेला ना छोड़, कोई एक वारिस ही दे दे। मरियम अलैहिस्सलाम का बंद कमरा खोला, क्या देखा, मरियम अलैहिस्सलाम के सामने वो फल पड़े हैं जिनका मौसम ही नहीं, फौरन पूछा या मरियम अन्ना लकी हादा, तीसरा सिपारा है सूरह आले इमरान, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा ओ मरियम इन फलों का तो मौसम ही नहीं है, ये बेमौसम फल आपके पास कहां से आ गए, उन्होंने क्या कहा, कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ओ बाबा ज़करिया मेरा अल्लाह फल देने के लिए मौसमों का मोहताज नहीं है, बेमौसम फल मुझे मेरे अल्लाह ने दिए। कुरान का अंदाज तो देखिए, समझाने का अंदाज तो देखिए, अल्लाह कहता है हुनालिका दा ज़करिया रब्बा, ज़करिया अलैहिस्सलाम वही खड़े हो गए, अल्लाह पहले तेरा ज़करिया सिर्फ दुआ करता था, आज दलील भी ले आया हूँ, दलील क्या है, अल्लाह तू बेमौसम फल मरियम को दे सकता है तो तू मुझे बेमौसमा बेटा क्यों नहीं दे सकता, अल्लाह ये मैं मानता हूँ औलाद का मौसम मेरा खत्म हो गया, लेकिन तू मौसमों का मोहताज नहीं है, एक बेटा मुझे भी दे दे। रब का कुरान कहता है फनादत हुल मलाइका, उधर ही खड़े थे फरिश्ते बेटे की बशारत लेके आ गए, ज़करिया तूने इतने साल गुजार दिए अल्लाह का दर नहीं छोड़ा, अल्लाह से मांगता रहे तो अल्लाह ने तुझे बेटे की बशारत दे दी, तुझे एक साल ना मिले कोई बेरियों के नीचे धक्के खाता फिरता है, को नमक चाटता फिरता है, को कबूतरों के दाने के पीछे कोई सदाएं लगाता है, दे पुत्र ते ले कुकड़, बाबा शाह जमाल पुत्र देता है रत्ता लाल, ये सारी जाहिलियत की दास्तान है, रब का कुरान पढ़िए, बेटा देना बंदों के बस की बात नहीं है, बेटा अल्लाह देता है। ज़करिया अलैहिस्सलाम तूने अल्लाह का दर नहीं छोड़ा, अल्लाह ने तुझे बेटे की बशारत दी है और तुम खुश नसीब हो, तेरे बेटे का नाम अल्लाह ने रखा है, लोग फख्र करते हैं मेरे बेटे का नाम दादा ज्ञान ने रखा है, मेरे बेटे का नाम फलां चौधरी ने रखा है, फलां पीर साहब ने रखा है, लेकिन ज़करिया तेरे बेटे का नाम भी अल्लाह ने रखा है, और अल्लाह ने बताया कि इस नाम का बच्चा जमीन पे पहले गुजरा ही नहीं। माँ बाप को कभी कभी टेंशन होती है, आज हम बेटे की खिदमत कर रहे हैं, पता नहीं बड़ा होके ये हमारे साथ क्या सलूक करेगा, अरे तूने तो अल्लाह का दर नहीं छोड़ा, तुझे मुबारक हो, तेरे बेटे को अल्लाह ने तेरी आंखों की ठंडक के लिए अपना पैगंबर बना रखा, उस बड़े के दर को मत छोड़िए, अल्लाह ने मेरे महबूब पैगंबर को भी यही बोला है, कुल इन्नमा अदू रब्बी, कह दो मुझे भी जब गैबी मदद की जरूरत पेश आती है मैं भी अपने रब को आवाज देता हूँ, वला उश्रिकु बिही अहदा,
अल्लाह की इस पुकार में मैं किसी को शरीक नहीं करता। ये 29वां पारा है सूरह जिन, आयत नंबर 20 है। तुझ पे ये कर्ज है, अल्लाह ने बतलवाया अपने महबूब पैगंबर से कहलवाया है, कह दो मैं गैबी मदद के लिए रब को आवाज देता हूं और इस पुकार में मैं अल्लाह के साथ शिरक नहीं करता। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम को भी जब भी गैबी मदद की जरूरत पेश आती थी तो आप अल्लाह को ही आवाज देते थे। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे तलवार लटका के सोए हुए, सही बुखारी में, सही मुस्लिम में, हदीस की हर किताब में, तेरी स्कूल की उर्दू की किताबों में भी लिखा हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन पास से गुजरा, उसने मौके को गनीमत जाना, आपकी तलवार को उतार लिया, नोक से बेदार करता है और कहता है मैं यमनु कमिन्नी, बुला इस तलवार के वार से आपको कौन बचाएगा। दुश्मन के हाथ में तलवार है, मेरे हबीब के हाथ खाली है। आपको गैबी मदद की जरूरत पेश आई है तो आपने किसको आवाज दी? न किसी गुजरे हुए पैगंबर को, न कब्रों वालों को, न जिब्रील अमीन को। हालांकि जिब्रील अमीन की ताकत आप जानते थे, जिस जिब्रील ने अपने एक पर से लूत अलैहिस्सलाम की पूरी बस्ती को उठा लिया, आसमान के करीब ले जाके उल्टा करके फेंक दिया था, ये उसके एक पर की ताकत है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेराज की रात मैंने देखा जिब्रील अमीन का सिर्फ एक पर नहीं था, अल्लाह ने उनको 600 पर दिए हुए। इतनी पावर वाला फरिश्तों का सरदार, लेकिन मेरे महबूब ने उसको आवाज नहीं दी। जानते थे गैबी मदद के लिए न किसी इंसान को आवाज दी जाती है, न फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन को आवाज दी जाती है। आपने फौरन पुकारा तो क्या कहा? अल्लाह अल्लाह, मेरा अल्लाह ही मुझे बचाएगा। आपसे अल्लाह कायनात में कौन हो सकता है? मेरे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तराजू के एक पल्ले में मुझे तोला गया, दूसरे पल्ले में एक आदमी मेरा वजन भारी, फिर 10 के मुकाबले में, फिर 100 के मुकाबले में, फिर 1000 के मुकाबले में मुझे तोला गया, मेरा वजन फिर भी भारी रहा। फरिश्ता बोल उठा, इनको कब तक तोलोगे? इनके मुकाबले में सारी कायनात भी तोल दो, इनका वजन फिर भी भारी रहे। शान अपनी जगह, मुकाम अपनी जगह है, लेकिन अल्लाह का शरीक कोई नहीं हो सकता। आपने अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह बचाएगा, उसके जिस्म पे कब कभी तारी हो गई, तलवार जमीन पे जा गिरी। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने तलवार को उठा लिया, आपने फरमाया अब तुम बोलो खां, तुझे कौन बचाएगा? उसने कहा आप करीम बाप के करीम बेटे, आपसे करम की अपील है, कुर्बान जाएं। अल्लाह ने सच कहा है वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने सिर्फ अपनों के लिए रहमत बना के नहीं भेजा। मेरा महबूब पैगंबर सारे जहानों के लिए ही रहमत है। आप अपनों के लिए भी रहमत है, दुश्मनों के लिए भी रहमत है, कुर्बान जाए आपकी रहमत पे। जिसने आप पे कातिलाना हमला किया, मेरे महबूब ने उसको भी माफ कर दिया। आपने खुद भी अल्लाह को पुकारा है गैबी मदद के लिए, अपने असहाब को भी यही तालीम दी है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास आपके पीछे सवारी पे सवार थे और आपने क्या कहा? ए अब्दुल्लाह इज़्ज़ता फस्ताइन बिल्लाह, जब भी तुझे गैबी मदद की जरूरत पेश आए तो बेटा अल्लाह को आवाज देनी। सैयदा अली सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो आए नबी अलैहिस्सलाम के पास गुलाम लेने के लिए। सैयदा फातिमा रो पड़ी, अल्लाह के हबीब चला चला के हाथों पे छाले पड़ गई है, आपके पास गुलाम आए तो ये गुलाम मुझे भी दे दे। आपने फरमाया नहीं, मैंने इन स्टूडेंटों पे खर्च करना है, मैं आपको नहीं दे सकता। वापस लौटा दिया खाली। जब नबी अलैहिस्सलाम शाम हुई घर गए, दोनों को बिठाया, आपने फरमाया अली और फातिमा तुम गुलाम मांग रहे थे, गुलाम से बेहतर चीज तुम्हें ना अता करता, तुम्हें वजीफा मैं बताता हूँ, तुम्हारी थकावटें सारी दूर हो जाया करती थी। पूछ अपने मौलवी से मेरे महबूब पैगंबर ने अपनी बेटी को क्या सिखाया, क्या ये सिखाया बेटा फातिमा रात को बिस्तर पे आके 100 दफा तुम या रसूल अल्लाह मदद कह दिया करो, तेरे पास अली रहते हैं या अली मदद कह दिया करो। नहीं,
पूछ अपने मौलवी से, फैसला मैं तुझसे करवाना चाहता हूँ। मेरे महबूब पैगंबर ने जनाबे अली को फातिमा को क्या सिखाया? कहा बेटा फातिमा जब रात को थक हार के बिस्तर पे आओ बेटा 33 दफा सुभान अल्लाह पढ़ा करो कि अल्लाह पाक अल्लाह पाक है, अल्लाह का कोई ऐब नहीं, अल्लाह का कोई शरीक नहीं। 33 दफा ये इकरार किया करो और 33 दफा पढ़ा करो अल्हम्दुलिल्लाह। सारी तारीफें अल्लाह के लिए, हर हाल में अल्लाह का ही शुक्र है, अल्लाह की तारीफें। और 34 दफा ऐ अली ऐ फातिमा ये पढ़ा करो अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। तुझे यही तो कलिमा नहीं आ रहा, अल्लाह अकबर समझ जा, फिर तू अपनी गाड़ी के पीछे ना लिखवाएगा जो तुझे रब ना दे सके हुसैन से मांग। तेरी गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ है जो अल्लाह ना दे सके वो अली से मांग। वो अली अल्लाह के दर के फकीर है। वो क्या कहा करते थे हर रोज बिस्तर पे आके 34 दफा कहते थे मैं बड़ा नहीं, कोई पैगंबर बड़ा नहीं, बड़ा सबसे अल्लाह। अल्लाह अकबर का सबक याद, इसमें तो इख्तलाफ वाली बात नहीं है। बुलाओ मुझे दुनिया की किसी अदालत में अल्लाह अकबर का तर्जमा करना, कौन से इख्तलाफ वाली बात है, कौन से फिरके वाली बात है, ये तो इत्तेफाक की बात है, ये तो इत्तेहाद की दावत है। हर मस्जिद से आवाज आती है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, 5 टाइम तेरे कानों में सदाएं पड़ती रहती है। क्यामत के दिन कोई ये ना कह सके हमें किसी ने बताया नहीं था, ये अकीदा तौहीद है। ये तौहीद हुई तो फिर मामूली नेकी भी निजात का जरिया बन सकती है। फिर उस नौजवान ने जिसने सिर्फ रास्ते से कांटेदार झाड़ी को साइड पे कर दिया था, उसके खाते में गुनाह तो थे लेकिन शिरक नहीं था, इसी एक नेकी से अल्लाह ने उसके गुनाह माफ करके जन्नत में दाखिल कर दिया। देखने ये अल्लाह का पक्का कानून है, वमन युशरिक बिल्ला फकद हर्रम अल्लाह अलैहिल जन्ना, जो शिरक करता हुआ मर गया तौबा ना की अल्लाह ने उस पे जन्नत हराम कर दी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको अकीदा तौहीद समझने की तौफीक अता फरमाए। वकूल कौली हादा अस्तगफिरुल्लाह लि वलकुम वलिसाइल मुस्लिमीन।